अस्सलाम वालेकुम जी अबिवर्स, आइए चलते हैं, आपको मौसम के हवाले से ठंडी खुशखबरी सुनाते हैं कि जैसा कि आपको मालूम है कि मूनसून का जो तीसरा स्पेल है वो मुल्क में जो है 17 तारीख से दाखिल होगा, तो जिसकी वजह से पंजाब, केपी के, बलूचिस्तान और सिंध के इलाकों के अंदर जो है मुमकिन मतवक़ तौर पर जो है वो गरज चमक के साथ तूफ़ानी बारिशों का अलर्ट है, तेज़ हवाओं के साथ जो है बारिश के इम्कान हैं। तो इस हवाले से हम आपको 3 चीज़ें बताने जा रहे हैं। एक तो NDMA का बहुत ज़्यादा अहम अलर्ट है, दूसरे नंबर के ऊपर किन इलाकों के अंदर बारिश होगी, और तीसरे नंबर के ऊपर ये बताएंगे कि जिन इलाकों में बारिश नहीं होगी वहाँ पर मौसम की सूरत हाल क्या होगी। तो सबसे पहले हम NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जो है वो अहम अलर्ट देख लेते हैं। 17 से 20 तक जो बारिश स्पेल होगा इसमें जो इलाके हैं जिसमें KP के है, पंजाब के इलाके हैं, बलोचिस्तान सिंध के इलाके हैं, तो KP के इलाकों के अंदर जहाँ पर 50 से 100 mm बारिश के इम्कान होंगे बखे से, तो वहाँ पर जो है सलाबी सूरत और अर्बन फ्लडिंग बनने का मसला है। नदी नालों के अंदर जो है वो सलाबी सूरत बन सकती है, पहाड़ों के ऊपर से पानी आता है, ख़ास तौर पर हज़ारा मलाकंड डिवीज़न पंजाब बलोचिस्तान के साथ साथ जो है वो मरी गलियात मानसहरा कोस्तान आज़ाद कश्मीर और कश्मीर के इलाके जो हैं को सलमान है कोहे किरथर है, तो ये तमाम इलाके जो हैं वो NDMA ने जो है वो अलर्ट जारी किया है कि जहाँ पर पहाड़ों के ऊपर से पानी आता है वहाँ पर नदी नालों के अंदर जो है वो सलाबी सूरत हाल बन सकती है। तो वहाँ पर आपने सफ़र में एहतियात करनी है, यानी कि जो इलाके जहाँ पर अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर एहतियात करनी है, वहाँ के इलाकों वालों को भी एहतियात करनी चाहिए। लैंड स्लाइडिंग का मसला हो सकता है, सलाबी सूरत बन सकती है, बिजली के लाश से दूर रहना है आपने, और उसके अलावा जो आपका सीवरेज सिस्टम है जो कि मैदानी इलाकों के शहरों के अंदर है उसे जो है कोशिश करें कि साफ़ ही रखें ताकि अर्बन फ्लडिंग का मसला ज़्यादा ना बने। तो आइए चलते हैं, अब बात करते हैं कि किन शहरों के अंदर जो है वो जुमे रात 18 जुलाई को जो है वो बारिश के मकान बनेंगे। आपको बता दें कि ये सिलसिला जो होगा ये मशरकी पंजाब के साथ साथ यानी शकरगढ़, नारोवाल, गुजरांवाला, लाहौर, झेलम, मंडी, बहावुद्दीन, मलकवाल, सरगोधा, इसके साथ साथ रसमल खान, जुनूबी पंजाब के इलाके जो हैं लिया बकर वगैरह, शोरकोट, फैसलाबाद, मियाँवाली, उसके साथ साथ जो इलाके तेला कंग वगैरह, चकवाल वगैरह यानी कि पोठोहार के इलाके हैं, पिंडी खेब है, खुशाब है, कलर सजदा है, इसके साथ साथ इस्लामाबाद, हरीपुर, अटक, सवाबी, मरदान यानी कि KP के इलाके जो हैं पेशावर, कोहाट, चुकेरा है, लकी मरवत, तूरखम, ये इलाके जो हैं ये बारिश से मुतासर हो सकते हैं। यहाँ पर कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होगी, यानी कि जुमेरात वाले दिन जो है वो मुख्य से जो है वो इन इलाकों में बारिश के बन सकते हैं। दिन के टाइम जो है शाम तक जो है बादल जो है वो कहीं पर मौजूद होंगे, कहीं पर जो है वो हल्के होंगे, कहीं पर तगड़े बारिश बादल होंगे। तो इसके साथ शुमाली इलाका में चहारबाग और दी कलाम सवात आज़ाद कश्मीर के इलाके जो हैं मुजफ्फरबाद वगैरह वहाँ पर बारिश के इम्कान होंगे। इसके बाद अगर बात करें तो ये सिलसिला जो है दोपहर तक जो है जो कोयटा वगैरह जनूबी पंजाब के इलाके जो मुल्तान वगैरह है वहाँ पर ये सिलसिला जो है पहुँचने के इसके खदशात होंगे। झंग सदर, टोबा, टेक सिंह ये तमाम इलाके जो हैं इससे मुतासर होंगे। उसके बाद ये भी बता दें आपको कि ये सिलसिला जो है ये वहाँ से बढ़ता हुआ है जनूबी पंजाब के जो इलाके हैं जिनमें झंग सदर के साथ साथ मुल्तान है, खानवाल है, शोरकोट है, लिया है, जामपुर है, बारखान है, बहावलपुर के कुछ इलाके जो हैं इससे मुतासर हो सकते हैं, साहिवाल है, बावल नगर के इलाके, चिश्तियाँ वगैरह, ये इलाके जो हैं बारिश से मुतासर हो सकते हैं। आपको बता दें कि दोपहर के बाद जो है वो शदीद बादलों का सिलसिला जो है वो कराची के यानी इलाके जो सिवा सिंध के इलाके के अंदर भी मौजूद होगा, थरपारकर के इलाके हैं, मीरपुर खास है, खुजदार के इलाके हैं, कोयटा वगैरह में जो बारिश के इम्कान बन सकते हैं। तो ये जी आइंदा यानी 12 से 24 घंटे की सूरत हाल है। जुमे रात वाले दिन जो है वक्फ से मुल्क के जो पंजाब के इलाके हैं और जो शुमाली इलाका जात हैं KP के इलाके हैं वहाँ पर जो है वो इसके ज़्यादा चांसेस होंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि जो दीगर जो है वो मौसम की सूरत क्या रहेगी, लेकिन आपको ये बता दें कि जिन इलाकों में बारिश नहीं होगी वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, हबस और गर्मी की शिदत रहेगी। जिनमें बहावलपुर की साइड वाला इलाके हैं सारे, सखर है, हैदराबाद के इलाके हैं तारे सारे, ये तमाम इलाके जो हैं यहाँ पर जो है शिदत के साथ जो गर्मी का चांस होगा। तो लिहाजा जिन इलाकों अंदर बारिश नहीं होगी वहाँ पर गर्मी की शिदत वैसी ही रहेगी, अगर ठंडी हवाएं चलती हैं तो मौसम बेहतर हो जाएगा, वरना ये गर्मी जो है अभी आपकी जो है वो अभी पीछा नहीं छोड़ेगी, ये अगस्त के दरमियान तक जाकर ये आहिस्ता आहिस्ता हबस और गर्मी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होगी। उम्मीद करेंगे आपको आज की वीडियो पसंद होगी, हमारी वीडियो को शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। शुक्रिया जी।